तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। जिसमें हमारा विषय क्या चल रहा था, क्यों जी, विषय क्या था हमारा, कि जो विनाश का क्रम होता है उससे उल्टा उत्पत्ति क्रम होता है, जो उत्पत्ति क्रम उससे उल्टा विनाश क्रम, यह हमने पढ़ा था। और ये संसार की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर ही है, समस्त भूतों की रचना करने वाला ईश्वर ही है, दूसरा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये विषय हमारा चल रहा था। अब सृष्टि उत्पत्ति उत्पत्ति माने परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अब दूसरा विषय चल रहा है, अब नया आ रहा है कि जीवात्मा उत्पत्ति मान क्यों नहीं है। तो सूत्र 17 देखिए, 16 तक पढ़े थे ना, हाँ 17। न आत्मा अश्रुते है नित्यत्वाच ताभ्यः। इसने नया प्रश्न उठाया अब कि जीवात्मा, लिखिए सूत्र 17 का प्रश्न बनाइए, लिखिए जीवात्मा उत्पत्ति मान क्यों नहीं है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया, न आत्मा अश्रुते है नित्यत्वाच्च ताभ्यः। तो उत्तर में यही लिखिए, हिंदी में लिखिए इसका, 17 का, हाँ ये प्रश्न हुआ, उत्पत्तिमान मतलब उत्पत्ति वाला क्यों नहीं है। उत्पत्तिमान मतलब उत्पत्ति वाला, माने जीवात्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। और सरल में करें तो जीवात्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, इसको बोलते हैं जीवात्मा उत्पत्तिमान क्यों नहीं है, ठीक है। तो उत्तर लिखिए 17 का, जीवात्मा उत्पत्तिमान नहीं है। जीवात्मा उत्पत्तिमान, ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्पत्ति वाला नहीं है, अल्पविराम। श्रुति वचन न होने से, श्रुति वचन न होने से और श्रुतियों से जीवात्मा की सत्ता सिद्ध होने से, ठीक है जी। तो श्रुति वचन न होने से मतलब जीवात्मा उत्पत्ति वाला है, ऐसा कहीं पर भी कोई वचन श्रुति में नहीं मिलता है, समझ गए। लेकिन ये तो मिलता है कि जीवात्मा शाश्वत है, नित्य है, तो श्रुति में ये वचन मिलता है, जैसे कि अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण और जीवो अपितम वाव किल इदम ब्रेते न जीवो म्रियते, कि शरीर तो मरता है आत्मा नहीं मरता है, तो आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, तो ऐसा प्रमाण मिलता है श्रुति में। इसलिए आत्मा कैसा है, उत्पत्तिमान नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया सूत्र 17। अब देखो सूत्र 18, ज्यों अतः एव,
सूत्र क्या है, ज्यों अतएव, छोटा सा सूत्र है। तो लिखिए प्रश्न इसका, जीवात्मा ज्ञानवान कैसे सिद्ध होता है। देखो ज्ञ मन ज्ञानवान, प्रश्न लिखिए जीवात्मा ज्ञानवान कैसे सिद्ध होता है। तो उत्तर क्या दिया, अतएव ज्ञ, इसलिए तो ज्ञ है, किस लिए, श्रुतियों में सिद्ध होने से है। उत्तर लिखिए, जीवात्मा श्रुतियों से ही ज्ञानवान सिद्ध होता है। जीवात्मा श्रुतियों से ही या श्रुतियों के प्रमाण से ही कर दो, जीवात्मा श्रुतियों के प्रमाण से ही ज्ञानवान सिद्ध होता है। ठीक है, तो प्रमाण क्या दिया, देखो ऐसा ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। ये दृष्टा है, श्रोता है, घ्राता मने सूंघने वाला भी है, रसयिता रस भी लेने वाला है, मन्ता मनन करने वाला है, बुद्धा मने जाता है, और कर्ता सब कर्मों का कर्ता है, यह विज्ञानात्मा है, विशेष ज्ञानवान आत्मा है, ऐसा पुरुष है। तो ये श्रुति का प्रमाण है प्रश्नोपनिषद का। ठीक है, और भी आता है योग दर्शन में है, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध प्रत्यान पश्य। ये जीवात्मा कैसा है, दृष्टा है, शुद्ध है, वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है, जिसे उसको ज्ञान कराती हैं इंद्रियां, ऐसे ज्ञान करता है। तो प्रमाण दिया, और कतम आत्मा इति यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु ही अंतर्ज्योति पुरुष, यहाँ पर विज्ञानमय दिया, यह आत्मा कैसा है, यो अयम विज्ञानमय, जो विज्ञानमय है मतलब ज्ञानमय है, प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, प्राणों में हृदय में ज्योतिषमान होकर ज्ञानवान होकर के रहता है, ऐसा पुरुष है। तो प्रमाण आ गया, देखो इसलिए शुरू में कह दिया कि अतः कारणात एव जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्मा, कि जिस कारण से जीवात्मा अनुत्पत्ति वाला है उसी कारण से ज्ञानवान भी है। तो श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण में वो उत्पत्तिमान नहीं है, अनुत्पत्ति वाला है, तो श्रुति प्रमाण से ही चेतन ज्ञानवान ज्ञानी भी सिद्ध होता है। तो इसलिए कहा कि अविनाश धर्मा, वो अविनाशी धर्म है, विनाश नहीं होता, ऐसा होता है वह ज्ञानवान है, चेतन है, अभौतिको अभिधीयते, अभौतिक है, तो ये सिद्ध्यति, ये सिद्ध होता है। तो भाष्य भी यही कह रहा है, ठीक है ना। तो अथ यो वेदम जिघ्राणीति स आत्मा, हम जो बोलते हैं सूंघ रहा है तो कौन है, वही तो आत्मा है जो सूंघ रहा है। फिर आगे दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता सब जीवात्मा है, तो मतलब वही सुनने वाला है, देखने वाला है, बोलने वाला है, सब कुछ करने वाला आत्मा ही तो है, वही चेतन है। तो ये प्रमाण दिया इसका उपनिषद का। आगे देखो सूत्र 29, उत्क्रांति गति अगति नाम, अब इसका लिखियो प्रश्न। हाँ, उत्क्रांति गति आगति नाम, उत्क्रांति अगति नहीं, उत्क्रांति बाद गति जी, अगति किस होगा, उत्क्रांति गति आगति नाम ऐसा है, आगति तो है, गति और आगति, गमन और आगमन, गति माने गमन, आगति माने आगमन। तो लिखिए, जीव अणु बराबर एक देशी क्यों है, देखो आप ऊपर में क्या पढ़े थे, भूमिका में कह रहा है कि जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है और ज्ञानवान है, तो अब कह रहा है किम परिमाण, उसका परिमाण क्या है, विभु परिमाण है कि अणु परिमाण है, इस पर बता रहे हैं। तो प्रश्न लिखिए, जीवात्मा अणु बराबर एक जैसे क्यों है, अथवा इसका परिमाण कैसा है, जीवात्मा कैसा परिमाण वाला है, ये प्रश्न भी बनेगा। हाँ ठीक है,
ये भी बनेगा। हाँ, जीवात्मा कैसा या किस प्रकार का परिमाण वाला है, दोनों प्रश्न बनेगा, दो प्रश्न बनेंगे इसके। हाँ, जीवात्मा किस प्रकार का परिमाण वाला है भी प्रश्न है, दूसरा जीवात्मा अणु बराबर एक जैसी क्यों है, ठीक है ना। तो लिखिए उत्तर, लिखिए उत्क्रमण गमन और आगमन, उत्क्रमण उत्तर लिखिए। उत्क्रमण माने शरीर को छोड़ के निकल जाना, इसको तो उत्क्रमण बोलते हैं। हाँ, उत्क्रमण गमन और आगमन, उत्क्रमण गमन और आगमन, इन धर्मों का श्रुतियों में प्रतिपादन होने से जीवात्मा अणु परिमाण वाला है बराबर एक देसी है। हाँ, यह गमन कहा ना, गमन आगमन, यह धर्म किसका है, जीवात्मा का है। तो ये भी जोड़ सकते हैं, जीवात्मा के उत्क्रमण गमन और आगमन इन धर्मों का श्रुतियों में प्रतिपादन होने से जीव अणु परिमाण वाला है बराबर एक देसी है, ठीक है ना। ये सभी धर्म किसके हैं, जीवात्मा के हैं। हो गया सूत्रार्थ। हाँ जी, हैं विभू आत्मा, विभू आत्मा नहीं ना, वो एक देसी है, अणुस्वरूप है। तो क्या लिखे, उत्क्रमण गमन और आगमन इन धर्मों का हाँ श्रुति में प्रतिपादन होने से हाँ बराबर एक देसी है, अणु परिमाण वाला बराबर एक देसी है। तो दोनों का उत्तर आ गया आपका, ठीक है। तो ये प्रमाण दिया, देखो स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, देखो जब इस तरह से वो उत्क्रमण करता है तो सर्वे सह वेत्ते सर्वे उत्क्रमन्ति, तो सभी लोग उत्क्रमण कर जाते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो प्राण इंद्रियां मन अहंकार बुद्धि सभी लोग शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं, आत्मा साथ में हैं। हाँ, जो क्या बोलते हैं सूक्ष्म शरीर में जो भी है, प्राण भी आता है, प्राण को इंद्रिय बोलते हैं, नहीं हाँ नए शरीर में जाएगा ना, ये शरीर को छोड़ते नए शरीर में जाएगा, सभी इंद्रिय जाएंगे, इंद्रियाँ हाँ, प्राण का नाम भी इंद्रिय है। हाँ हाँ ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया सूत्र 19, अब आ रहा है सूत्र 20, स्वात्मना च उत्तरयो हो। अब इसका प्रश्न लिखिए, जीवात्मा अणु स्वरूप है या अणु परिमाण वाला है, इसमें कोई भिन्न हेतु देकर सिद्ध करो या कोई नया हेतु। अभी तो पढ़ लिए थे खजुद्या था कि उत्क्रमण गमन वाला होने से अणु है, अब एक नया हेतु और मांग रहा है। तो लिखो, जीवात्मा अणु परिमाण वाला है, इसमें कोई नया हेतु या भिन्न हेतु देकर सिद्ध करो। ठीक है जी, कोई नया हेतु मांग रहा है कि जीवात्मा अणु परिमाण है, तो उत्तर देंगे। स्वात्माना तो उत्तर है, जो ये उत्तर दिया तो इसका हिंदी लिखिए, क्या हेतु दे रहा है। लिखो उत्तर 20, गमन और आगमन, लिखिए गमन और आगमन शरीर में जीव के साथ संबद्ध होने से बराबर जुड़े होने से, फिर बोलता हूँ एक बार, गमन और आगमन शरीर में जीव के साथ संबद्ध होने से बराबर जुड़े होने से जीवात्मा अणु परिमाण वाला है, जीवात्मा अणु परिमाण वाला है।
मतलब जीवात्मा अणु है, ठीक है ना जी। तो इसने क्या प्रमाण दिया, गमनागमन करता है, जाता भी आता है और शरीर का संबद्ध है वो। जैसे में इसमें आ रहा है शुक्रमादाया पुनः एति स्थानम स एता तेजो मात्रा, तो ये प्रमाण दे रहा है कि शुक्र को लेकर फिर उसके हाथ में आता है, शरीर में प्रवेश करता है, ये इसकी तेजोमय मात्रा है। तो और भी कह रहा है गमनागमन, जगह जगह इसका प्रमाण दे रहा है कि जाता भी है और आता भी है, और ऐसे भी जाना आना कर रहे हैं, हर समय जाना आना करते रहते, कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से गमन और आगमन ये शरीर में जीव सा संबद्ध है। तो जब तक जीवात्मा शरीर में जाना आना कर रहा है देखो, तो इसे अनुसिद्ध हुआ। अगर व्यापक होता तो जाना आना कहाँ कर पाता, नहीं कर पाता। जो व्यापक होता है वो कहाँ जाना आना करता है, कहीं नहीं कर सकता। तो जीवात्मा एक देशी है, अणुस्वरूप है, इसलिए जाना आना करता है। तो इसलिए इसका अणुस्वरूप होना सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र 20। तो आज हमने पढ़ा जीवात्मा उत्पत्तिमान नहीं है अपितु ज्ञानवान है और एक देशी अणुस्वरूप है, ठीक है ना, गमनागमन वाला होने से, उत्क्रमण वाला होने से। ये आज के पाठ का यह सार हुआ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्कार।